kids, welcome to Mama Twins World. ये खूबसूरत नज़ारे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कहां पर है और हमारी सवारी कहां निकल पड़ी। ये जगह गुजरात के डांग जिले में सुबिर गांव के पास है। तो सबसे पहले चलते हैं शबरी धाम। वैसे तो हमारी मंजिल काफी दूर थी, पर रास्ते में हमें इतने खूबसूरत और मनभावन नजारे देखने को मिले। काफी लोग तो रास्ते में जो छोटे छोटे वाटरफॉल थे वही रुककर उसके मजे ले रहे थे, पर हमारी मंजिल तो हमारा आगे इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते हम कब शबरी धाम पहुंच गए इसका हमें पता ही नहीं चला। माता शबरी के झूठे भेद वाली जो कहानी हमने सुनी है, पढ़ी है, वो यही जगह है। रामायण काल में अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने माता शबरी को यही दर्शन दिए थे। माता शबरी ने हर एक बैर को इसलिए चखे थे कि उनके प्रिय राम को एक भी खट्टा बैर खाने को ना मिले। तो चलो अब मंदिर के दर्शन कर ले। हालांकि यहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, पर मुझे जैसे पता चलता इससे पहले ही भगवान की फोटो मेरे मोबाइल में कैप्चर हो गई थी। जहां मंदिर में शबरी माता, श्री राम और श्री लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा यहां एक शिव जी का मंदिर भी है और एक हनुमान जी का मंदिर भी है। सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े पंपा सरोवर, जो शबरी धाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही पंपा सरोवर है जिसके बारे में पौराणिक कथा रामायण में बताया गया है। अपने वनवास के दौरान जब श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे तो उन्होंने स्नान के लिए एक कुंड बनाया था। बाद में वो तालाब बना और उसके बाद वो सरोवर बन गया जिसका नाम है पंपा सरोवर।
बताया जाता है कि माता शबरी की जो गुरु थे मातंग ऋषि, उन्होंने यहाँ आश्रम स्थापित किया था और माता शबरी भी यही रहती थी। जब ये जगह बेहद खूबसूरत लगती है और अगर आप उस समय ये जगह को विजिट करेंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होगा। आज ये दोनों स्थल गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ गुजरात सरकार और गुजरात टूरिज्म के सहयोग से पर्यटकों के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की जाती है। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।